नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाषीष, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक न्यूज़ के एक और स्पेशल एपिसोड में। और आज भी मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी गर्मा गर्म टेक न्यूज़ है वो हमेशा की तरह लेके आ गया हूँ। तो आज की टेक न्यूज़ अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना, और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो नीचे लाल लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और बगल में जो घंटी वाला बटन है आप उसको तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। उससे क्या होगा, जब भी मैं लेटेस्ट फ्यूचर में कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी और आप कोई भी वीडियो है वो मिस नहीं कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के आज की टेक न्यूज को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहली खबर की, और उससे पहले कल की यानी कि मंडे की टेक न्यूज है वो आपको नहीं मिली थी क्योंकि मैं कल ट्रेवलिंग पर था और बहुत लंबी ट्रेवलिंग पर था, तो कल के लिए बहुत बहुत सॉरी। और कल की जो टेक न्यूज थी उसको मैंने आज की टेक न्यूज में ही इन्वॉल्व किया है, तो शायद से कल की टेक न्यूज है वो कवर हो गई होगी, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है वो आप कर ही लेना। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहली खबर की, तो पहली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और आज की जो टेक न्यूज है वो सैमसंग के नाम होने वाली है क्योंकि बहुत सारी न्यूज है वो सैमसंग की तरफ से आज निकल के आ रही है। तो सबसे पहली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है कि सैमसंग का A10, A20, A30 और A50 ये चार स्मार्टफोन है जो अगले महीने इंडिया में लॉन्च कर दिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग लीक्स वो निकल के आ रहे हैं कि ये चार नए स्मार्टफोन है वो इंडिया में अगले महीने जो है वो A10, A20, A30 और A50 ये चारों स्मार्टफोन इंडिया में ऑफिशियली सैमसंग के द्वारा लॉन्च कर दिए जाएंगे। तो मतलब 2019 की जो शुरुआत है वो सैमसंग बहुत ही धमाकेदार शुरुआत है वो करने वाला है, और अपने बहुत सारे स्मार्टफोन है वो अलग अलग मार्केट में सैमसंग ब्रांड द्वारा है वो अलग-अलग स्मार्टफोन लॉन्च किए जाएंगे। तो देखते हैं कि अगले महीने सैमसंग इन चारों स्मार्टफोन को एक साथ लॉन्च करता है कि अलग-अलग इवेंट्स आयोजित करके इसको लॉन्च करता है वो तो हमें आने वाले समय में ही पता चल जाएगा। तो यहां पे सैमसंग की तरफ से एक और इंटरेस्टिंग खबर निकल के आ रही है कि सैमसंग गैलेक्सी A90 जो स्मार्टफोन है वो आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ में देखने को मिलेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे जो Xiaomi प्लेयर कंपनी है जो है Vivo के नेक्स्ट की तरह आपको जो है इसमें सेल्फी कैमरा है वो पॉपअप में मिलने वाला है। तो कहीं ना कहीं सैमसंग ने बिल्कुल से ठान लिया है कि वो कहीं ना कहीं जो चाइनीज प्लेयर कंपनी है उनको करीबी से टक्कर देने वाला है। तो बताया जा रहा है कि सैमसंग गैलेक्सी A90 वो आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा के साथ में देखने को मिलेगा, आपको उसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेंगे, और आपको वहां पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो भी देखने को मिल जाएगा। आपको वहां पे रैम जो है वो 6GB और 8GB तक की देखने को मिलेगी, स्टोरेज का ऑप्शन आपको वहां पे सिंगल मिलेगा 128GB का। तो ये कुछ लीक्स है, देखते हैं कि सैमसंग का वो गैलेक्सी A90 को कब तक मार्केट में लेके आता है और क्या कुछ खास है वो A90 के साथ में कर पाता है, क्या वो ओप्पो वीवो और शाओमी जैसी प्लेयर कंपनियों को टक्कर दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से कि सैमसंग गैलेक्सी S10 जो सीरीज आएगी उसके तीन मोबाइल S10 लाइट, S10 और S10 Plus लॉन्च होने वाले हैं 20 फरवरी को। लेकिन उससे पहले भैया लीक्स वो निकल के आ रही है, तो आज एक नया लीक वो निकल के आया है और गीकबेंच की वेबसाइट पर है वो सैमसंग S10 Plus को रन करते हुए देखा गया है। आप कहेंगे कि जनवरी में Snapdragon 855 वाले प्रोसेसर के साथ में Samsung Galaxy S10 Plus को तो देख लिया गया है, तो अब कौन सा नया प्रोसेसर के साथ में आया, तो S10 Plus का एक और नया एडिशन आएगा जो कि Samsung के खुद के प्रोसेसर Exynos 980 के साथ में देखने को आपको मिला है। 4 फरवरी डेट आप देख सकते हो, ये जो Geekbench का स्क्रीनशॉट आपके सामने है, आपको इसमें 98 Exynos का 9820 वाला प्रोसेसर दिखाई देता है, Android 9.0 Pi दिखाई देता है, और बताइए जा रहा है कि ये जो स्मार्टफोन है वो Samsung का S10 Plus है। जी हां दोस्तों, इसके कुछ जो Antutu स्कोर है वो भी निकल के जो Geekbench के स्कोर है वो भी सामने निकल के आ गए हैं जो कि कहीं ना कहीं Snapdragon 855 के समकक्ष ही है। जी हां दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं कि Snapdragon जो 855 के साथ में जो सिंगल कोर का Geekbench स्कोर आया था वो 3413 था, इसके साथ ही जो मल्टी कोर का जो स्कोर आया था वो था 10256। जी हाँ दोस्तों, अब आप यहाँ पे ये दूसरा स्क्रीनशॉट है वो देख सकते हो कि यहाँ पे सैमसंग का जो Exynos का 9820 के साथ में जो Geekbench की वेबसाइट पे देखा गया है तो उसका जो यहाँ पे जो स्कोर है वो निकल के आया सिंगल कोर के साथ में यहाँ पे 4472। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा मल्टी कोर का जो स्कोर है वो निकल के आया है 10380। तो कहीं ना कहीं Snapdragon 855 के बराबर ही यानी कि समकक्ष ही है Exynos का 9820, और मेरा हिसाब किताब यही कहता है कि भैया कुछ सिलेक्टिव मार्केट्स ही ऐसे होंगे जिनमें Snapdragon का 855 वाला जो प्रोसेसर है वो आपको S10 Plus में देखने को मिलेगा, जैसे US है, कनाडा है, ऐसे स्टेट जो ऐसे मार्केट है उनमें ही आपको S10 जो प्लस है उसमें आपको Snapdragon का 855 वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा, बाकी इंडिया में तो मेरे को लगता है Exynos 9820 वाला प्रोसेसर ही आएगा। तो Geekbench के स्कोर के अनुसार तो हम पता लगा ही सकते हैं कि जो Exynos का 9820 जो प्रोसेसर है वो भी कहीं ना कहीं Snapdragon का 855
5 प्रोसेसर है उससे कम भी नहीं है। और यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस के यहाँ पे कैमरा रिलेटेड लीक्स है वो भी कुछ निकल के सामने आ रहे हैं और बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीक है वो सेल्फी कैमरा से रिलेटेड निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि S10 में आपको यहाँ पे सिंगल पंच होल में जो कि सेल्फी कैमरा है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा S10 प्लस में आपको पिल शेप में इन डिस्प्ले कैमरा देखने को मिलेंगे ड्यूअल। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये जो कैमरा होंगे S10 और S10 प्लस दोनों में ही आपको जो है वो 4K रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ में। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पे आपको OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी आपको जो है वो सेल्फी कैमरा में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ऑटो फोकस तो आपको सेल्फी कैमरा में सैमसंग के स्मार्टफोन में गैलेक्सी एस सीरीज में मिलता ही है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये वाले कुछ लीक्स वो निकल के आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि S10 में जो आपको सिंगल जो सेल्फी कैमरा मिलेगा वो आपको 10 या 8 मेगापिक्सल का मिलने वाला है। इसके अलावा जो यहाँ पे जो S10 प्लस में आपको ड्यूअल सेल्फी कैमरा मिलेगा वो आपको 10 और 8 मेगापिक्सल के मिलेंगे। ऐसे कुछ लीक्स है, देखते हैं कि 20 फरवरी को सैमसंग अपनी एस सीरीज को लॉन्च करके क्या कुछ खास करता है, कौन कौन से नए नए फीचर्स वो S10 प्लस S10 और S10 लाइट में लेके आता है। और साथ ही साथ सैमसंग के स्मार्ट वॉच की जो कुछ लीक्स है वो भी निकल के आ रही है कि सैमसंग हो सकता है 20 फरवरी को ही जब अपने S10 सीरीज को लॉन्च करे तो हो सकता है अपने स्मार्ट वॉच को भी यहां पे लॉन्च कर दे। ये एक नई प्रकार की वॉच है सैमसंग की तरफ से जो कि पूरी की पूरी स्टील फिनिश बॉडी आपको देखने को मिलती है। साइड में आपको जो है वो दो बटन है, फिजिकल बटन आपको देखने को मिल जाएंगी। अब भैया ये किस काम के हैं, क्या काम आएंगे वो मेरे को नहीं पता, लेकिन बताया जा रहा है कि आपको इसमें अलग अलग सेंसर है वो इस स्मार्ट वॉच में मिलने वाले हैं जो कि फिटनेस ट्रैकर से संबंधित होने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको 4GB की रैम मिल जाएगी, ब्लूटूथ, वाईफाई, ये वगैरह वगैरह सारे चटरमटर सेंसर है वो आपको इस स्मार्टफोन वॉच में जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो देखते हैं कि भैया सैमसंग जो है वो अपने अनपैक्ड इवेंट यानी कि 20 फरवरी को जो उनका अनपैक्ड इवेंट है उसमें क्या कुछ खास करता है, कौन कौन से नए गैजेट्स लेके आता है, कौन कौन से नए स्मार्टफोन लेके आता है, ये तो हमें 20 फरवरी को ही पता चलेगा। बात करें अगर यहाँ पे अगली खबर की तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है रेडमी की तरफ से। और रेडमी भैया नोट 7 जो है वो चाइना में तो लॉन्च हो ही चुका है, इंडिया में बहुत ही जल्दी है जो रेडमी का नोट 7 वो लॉन्च होने वाला है। अब रेडमी के नोट 7 के साथ साथ में लोगों की जो बेसब्री से जो इंतजार कर रहे हैं वो स्मार्टफोन है रेडमी का नोट 7 प्रो। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं रेडमी नोट 7 ने जिस प्रकार से मार्केट में तबाही मचाई थी उसी प्रकार से रेडमी नोट 7 प्रो है वो भी बहुत कुछ खास है वो मार्केट में करने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है रेडमी के सीईओ ने बता दिया है, उन्होंने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया है कि जो रेडमी है वो अपने एक फ्लेक्सिप चिपसेट वाले स्मार्टफोन पर भी काम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे स्मार्टफोन पर जो है वो रेडमी काम कर रहा है जिसमें कि आपको स्नैपड्रैगन का 855 वाला फ्लेक्सिप जो प्रोसेसर है वो देखने को मिल जाएगा। यानी कि मी सीरीज के जो Xiaomi के स्मार्टफोन होते हैं वो आपको देखने को नहीं मिलते हैं इंडिया में, वो चाइनीज मार्केट तक ही सीमित रहते हैं, जैसे मी 7, मी 8, मी 9 आपको देखने को नहीं मिले थे। तो हो सकता है अभी पोको है जो पोको लेके आया था F1 आपको स्नैपड्रैगन का 845 वाला प्रोसेसर लेके आया था तो उसी के समकक्ष है जो रेडमी, अब स्वतंत्र ब्रांड तो बन ही चुका है तो हो सकता है रेडमी जो है वो 27-28-30 हज़ार रुपये के आसपास में अपना एक फ्लेक्सिप स्मार्टफोन भी लेके आ जाए भैया, जिसमें आपको देखने को मिल जाएगा लेटेस्ट और पावरफुल 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करने वाला स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर। देखते हैं कि जो Xiaomi है जो रेडमी है वो क्या कुछ खास करता है 2019 में विशेष करके इंडिया में, ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चलेगा। और यहाँ पे जो Xiaomi का ब्लैक शार्क 2 जो गेमिंग स्मार्टफोन है वो भी मतलब एकदम निकटतम सीमा पे है अपने लॉन्चिंग इवेंट के। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी है ये Xiaomi का ब्लैक शार्क 2 जो कि एक गेमिंग स्मार्टफोन होने वाला है वो लॉन्च हो सकता है। आपको जो शार्क 1 Xiaomi की तरफ से देखने को मिला था उसमें आपको स्नैपड्रैगन का 845 वाला प्रोसेसर देखने को मिला था तो अंदाजा यही लगाया जा रहा है। गीकबेंच के जो स्कोर है इसके वो भी निकल के आ गए हैं और यहाँ पे कुछ सिंगल कोर के जो इसके स्कोर है वो 3494 है और मल्टी कोर यहाँ पे जो स्कोर है वो है 11149। जी हाँ दोस्तों, ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग स्कोर है जो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पे तबाही मचाने वाले हैं मार्केट में अगर ये ब्लैक शार्क 2 Xiaomi का आता है गेमिंग फोन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको 8GB तक की रैम देखने को मिल जाएगी, आपको 128GB से ऊपर है वो स्टोरेज देखने को मिल जाएगा, स्नैपड्रैगन का 855 वाला आपको इसमें प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। ऐसे कुछ लीक सब निकल के आ रही है भैया, एक्चुअल में क्या होने वाला है Xiaomi जो है अपने ब्लैक शार्क 2 के साथ में क्या कुछ खास करेगी मार्केट में, ये तो हमें आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। और यहाँ पे Xiaomi Mi 8 का जो एक्सप्लोरर एडिशन है अभी तक वो चाइनीज मार्केट में ही सीमित था, अक्टूबर के महीने में चाइनीज मार्केट में Mi 8 के एक्सप्लोरर एडिशन को है वो लॉन्च कर दिया गया था। तो बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्दी जो Xiaomi है और Geekbench की लिस्टिंग भी निकल के आ चुकी है कि जो Xiaomi है वो अपने Mi 8 के एक्सप्लोरर एडिशन को है वो ग्लोबल लॉन्च कर देगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की मान सकते हैं कि इंडिया में भी वो बहुत ही जल्दी जो Xiaomi का Mi 8 का एक्सप्लोरर एडिशन है वो लॉन्च होने वाला है। Xiaomi Mi 8 के एक्सप्लोरर एडिशन में आपको इन डिस्प्ले जो फिंगरप्रिंट सेंसर वो देखने को मिल जाएगा और प्रोसेसर भैया आपको यहाँ पे साइज से स्नैपड्रैगन का 845 वो देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि Xiaomi है वो अपने Mi 8 के एक्सप्लोरर एडिशन को कब तक इंडिया में
लॉन्च करती है या फिर ग्लोबल मार्केट में कब तक लॉन्च करती है, तो ये तो हमें भैया आने वाले समय में कंफर्म पता चल ही जाएगा। तो यहाँ पे अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है ओप्पो की तरफ से, और ओप्पो का फाइंड जेड नाम को लेकर के एक ऐसा स्मार्टफोन आएगा जो कि एक बहुत ही फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन होने वाला है। और अभी तक लोग हैं वो आइडियाज कुछ लगा रहे थे, कुछ कुछ लीक्स ऐसे आ रही थी कि ओप्पो का फाइंड एक्स 2 होने वाला है, लेकिन यहाँ पे ओप्पो ने ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया एक टीजर इमेज जारी करके कि ओप्पो है वो अपने फाइंड जेड स्मार्टफोन पर काम कर रहा है, जिसमें कि आपको भैया मिल सकता है स्नैपड्रैगन का 855 वाला प्रोसेसर। इसके अलावा यहाँ पे आपको जो ओप्पो की नवीनतम जूम टेक्नोलॉजी है 10x हाइब्रिड ऑप्टिकल जूम, वो वाली जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है वो भी आपको फाइंड जेड में है वो देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ लीक सब निकल के आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी ओप्पो का फाइंड जेड स्मार्टफोन जो है वो बहुत ही जल्दी मार्केट में आ जाएगा। क्या कुछ खास लेकर के आता है, क्या कुछ खास प्राइस रखता है, ये तो हमें आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। और यहाँ पे बात करें अगर अगली खबर की, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीवो के V15 प्रो स्मार्टफोन को लेकर के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वीवो के V15 प्रो की कुछ लाइव पिक्चर्स जो है वो निकल के सामने आ गई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ जो इसका बैक पैनल है वो दिखाई दे रहा है, और आपको इसमें स्टनिंग ग्रेडियंट डिजाइन है वो दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ यहाँ पे आपको अक्स वाले डिजाइन है वो दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही प्रीमियम लुक आपके फोन को देती है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो कि आपके जो Vivo V15 Pro जो स्मार्टफोन है उसके बैक पैनल में आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो पिछली लीक्स आई थी उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि आपको इसमें जो ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा उसमें आपको 48, 8 और 5 मेगापिक्सल के 3 रियर कैमरा सेटअप वो मिलने वाले हैं। अगर एक्चुअल में यही तीनों कैमरा 48, 8 और 5 मेगापिक्सल के मिलते हैं, तो भैया जो Vivo का V15 Pro स्मार्टफोन है वो इंडियन मार्केट में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाला है। इसके अलावा आपको यहाँ पे ऑफिशियली कन्फर्म तो हो ही चुका है कि जो Vivo का V15 Pro आएगा उसमें आपको जो सेल्फी देखने को मिलेगी वो आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा, और 32 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा है वो आपको देखने को मिलेगा। इन डिस्प्ले आपको इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा, और बताया जा रहा है कि गीक बेंच पे जो इसकी लिस्टिंग आई है उसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि साइज स्नैपड्रैगन का 675 वाला जो प्रोसेसर है वो इसमें देखने को मिल सकता है, जो कि भैया इंडिया का पहला स्मार्टफोन है वो बन जाएगा Vivo का V15 Pro जिसमें कि होगा स्नैपड्रैगन का 675 वाला प्रोसेसर। तो देखते हैं कि Vivo अपने V15 Pro की प्राइस है वो क्या रखता है इंडियन मार्केट में। बाकी फीचर्स है वो तो लगभग कन्फर्म से हो गए हैं, लेकिन जो प्राइस है वो क्या रखता है, मेरे हिसाब से इसकी प्राइस है वो 25,000 रुपए के अगर नीचे Vivo रखता है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तबाही मार्केट में ये मचाने वाला है। और यहाँ पे गूगल की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल के आ रही है, और गूगल ने अपने प्ले स्टोर से है वो 29 एप्स को रिमूव कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रीजन ये था और किस कैटेगरी के ये ऐप थे मैं आपको बता देता हूँ कि ये ब्यूटी जो कैमरा ब्यूटी होती है जो आपके काले कलूटे थोपड़े से बिगड़े से हुए थोपड़े को बहुत ही सुंदर बना देती है, तो ये वाली वो ब्यूटी एप्स थी 29 जिनको जो है वो गूगल ने अपने प्ले स्टोर से रिमूव कर दिया। इनका रीजन ये बताया जा रहा है कि ये जो एप्स है वो बिना मतलब की परमिशन है वो आपसे मांगती थी जब आप इनको अपने फोन में इंस्टॉल करते थे। इसके अलावा बहुत सारे विज्ञापन है वो भी आपको ये दिखाती थी, बेमतलब के खर्चे करवाती थी। इसके अलावा जो ये 29 जो एप्स गूगल ने रिमूव की है, ये जो एप है वो आपके कहीं ना कहीं जो पर्सनल डेटा होते हैं उनको भी भैया वो लीक करती थी। और बताया जा रहा है कि जो विज्ञापन उसमें दिखाए जाते थे उन एप्स में कभी कभार तो यहाँ पे जो पोर्नोग्राफी से रिलेटेड विज्ञापन है वो भी उन एप्स में दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो है गूगल ने ऐसा कदम उठाते हुए सख्त कदम उठाते हुए अपनी ये जो ब्यूटी एप्स है 29 प्ले स्टोर से इनको रिमूव कर दिया है। तो भैया आपके स्मार्टफोन में भी अगर आप भी ब्यूटी जो ऐप है वो यूज करते हो अपने थोपड़े को सुंदर सुंदर चमकाने के लिए, तो इनको रिमूव कर ही देना, शायद यही आपके लिए बेहतर होगा। अगली खबर यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग गैलेक्सी M10 और M20 की आज जो है वो पहली सेल तो मार्केट में थी ही, और भैया जो ग्राहक है वो इंडियन लोग सैमसंग ब्रांड पे तो उनका भरोसा है ही, और इतनी स्टेबल प्राइस जो है वो सैमसंग ने अपनी इतिहास में पहली बार रख दी, तो ग्राहक जो इंडिया के वो भैया टूट पड़े और कुछ ही सेकंडों में M10 और M20 के जो चारों ही वेरियंट है वो भैया हो गए आउट ऑफ स्टॉक, और बहुत सारे लोग हैं वो मेरे जैसे बिना खरीदे हुए स्मार्टफोन को रह गए। तो घबराने की जरूरत नहीं है, सैमसंग ने अपनी एक और सेल का ऐलान कर दिया जो कि बहुत ही जल्दी 7 फरवरी को दोपहर 12 बजे आपको देखने को मिल जाएगी अमेज़न के एक्सक्लूसिव पेज पे। जी हाँ दोस्तों, आप अगर वंचित रह गए हो M10 और M20 को आज खरीदने से, तो भैया आप 7 फरवरी के जो है आपको एक और मौका मिलेगा, आप वहां पे अपना M10 और M20 स्मार्टफोन है वो खरीद सकते हो। और यहाँ पे सबसे लास्ट और सबसे बुरी जो खबर निकल के आ रही है वो है पबजी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, पबजी का जो एडिक्शन है वो लोगों को बिल्कुल से पागल बना रहा है, और यार मेरे को समझ नहीं आता है कि लोग हैं वो पबजी को लेकर के इतना पागल क्यों हुए जा रहे हैं। हाँ, एंजॉयमेंट के लिए एंटरटेनमेंट के लिए आप खेलते हो वो एक अच्छी बात है, लेकिन भैया उसकी एक समय सीमा होती है और एक अपनी जो स्थिति
होती है, आर्थिक स्थिति भी आप बोल सकते हैं वो होती है, उसके दायरे में रहकर के हमें पबजी खेलना चाहिए, नहीं कि उसके दायरे से बाहर जाकर के। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ खबर ऐसी आ रही है कि मुंबई का एक लड़का था 18 साल का, मेरे जितना ही था लगभग, मैं तो 20-22 साल का हो गया, तो 18 साल का मुंबई का एक लड़का था और यहाँ पे जो उसका नाम है वो था शायद नदीम कुछ उसका नाम था। तो बताया जा रहा है कि उसने अपने घर वालों से जिद की, अपने 37,000 रुपये का एक स्मार्टफोन है वो लाके दो ताकि मैं उसके पबजी भैया बड़े आराम से खेल पाऊँ। तो घर वालों के भैया इतनी जो है वो हिम्मत नहीं थी, वो बोल रहे थे कि आप 20,000 रुपये तक का स्मार्टफोन है वो लेके आ जाओ, लेकिन उसने अपनी जिद्दी कर ली कि मेरे को तो 37,000 रुपये का स्मार्टफोन ही लेके आओ। तो फिर घर वालों ने दो चार बातें सुना ही दी होगी कि अगर तेरे को लाना है तो 20,000 रुपये तक का कोई भी स्मार्टफोन लेके आ, और भैया अगर वो चाहता तो 20,000 रुपये में भी एक अच्छा खासा स्मार्टफोन ला सकता था और बड़े आराम से है वो पबजी को खेल सकता था। लेकिन 37,000 रुपये मतलब एक पागलपन सा हो गया, एक बहुत ही बुरा एडिक्शन जो है वो पबजी का उस पर हो गया था, और उसने रात को जो है वो अपने किचन में जाकर के फांसे पर वो लटक गया और अपनी जान दे दी। अब बताओ यार क्या मिला इससे। अगर ऐसी घटनाएं भविष्य में एक दो और सामने आती है तो जरूर से जो पबजी है इसको बैन कर दिया जाएगा, और ऐसे गिने चुने लोग जो एडिक्शन इसका कर लेते हैं उनकी वजह से है बहुत सारे लोग एंजॉय नहीं कर पाएंगे पबजी को। तो मेरा आपको यही कहना है कि भैया पबजी को अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड नहीं रखो, उसको केवल एक एंटरटेनमेंट का साधन रखो, और यहाँ पे एक इसकी समय सीमा निर्धारित कर दो कि भैया हमें इससे ज़्यादा है वो पबजी को नहीं खेलना है, तो कुछ यहाँ पे भविष्य में पबजी को आप एंजॉय कर पाओगे, नहीं तो भैया पबजी का जो भविष्य है वो इंडिया में बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज की टेक न्यूज़ आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की टेक न्यूज़ आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।